हाय, मैं हूँ मुकेश और आप सीख रहे हैं 3D स्टूडियो मैक्स 2022 वर्जन। और इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ मॉडिफायर्स। और जिसने नहीं देख पाए हैं मेरे पिछले वाले ट्यूटोरियल्स, वो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और अभी मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ अगले मॉडिफाई फायर के लिए, जिसका नाम है ट्विस्ट। मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ। और टी दबाता हूँ। टेपर के बाद मैं ये ट्विस्ट लेता हूँ। एंगल इस तरीके से, ये वाई और ये एक्स। एक्स एक्सिस में इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ मैं। ये देखिए ट्विस्ट कितना अच्छी तरह से हो रहा है ये। और बायस अगर करता हूँ तो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम होगा, इस तरीके से। और ये लिमिट इफेक्ट दिया हुआ है, नॉर्मली आप जानते ही हैं इसके बारे में। तो कहाँ पर ये इसका पिवोट होता है, वहाँ से ये हैंडल करता है। ये देखिए इतना ट्विस्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं हटा देता हूँ लिमिट इफेक्ट, और ये ट्विस्ट मॉडिफायर तैयार हो गया है। आप ट्विस्ट, मैं करता हूँ सिलेंडर में ट्विस्ट। और आप भी किसी कोई नया कोई बनाइए और मुझे भेजिए। हाइट सेगमेंट में ये बना लेता हूँ मैं, और ट्विस्ट अप्लाई करता हूँ इस पर, ये ट्विस्ट। और ट्विस्ट करता हूँ ये, वो ट्विस्ट हो रहा है ये। ये देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ तो सीधी सीधी लाइनें हैं, सीधे सीधे सेगमेंट्स हैं। ट्विस्ट करने के बाद में ये आड़े तिरछे, ये थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। और ये वाला मॉडल देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि ये ट्विस्ट हुआ है। वो देखने के लिए इसका स्मूथ हटाना पड़ेगा। ये देखिए ट्विस्ट हुआ है, और साइड्स कम करने पड़ेंगे, तब जा कर के ये पता चलेगा कि इसमें ट्विस्ट हुआ हुआ है। तो ये ट्विस्ट है, और सेगमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए इसमें। और गोल ऑब्जेक्ट है तो उसको ट्विस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं स्फीयर को ट्विस्ट करता हूँ, ट्विस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक स्फीयर लेता हूँ, और स्फीयर के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो स्फीयर में कोई अंतर नहीं आएगा जब तक कि उसको ये थोड़ा सा, ये हल्का सा लाइनें बन रही हैं इसमें। और स्फीयर के इसमें जाता हूँ, स्मूथ हटा देता हूँ और सेगमेंट कम कर लेता हूँ, तो स्फीयर भी ट्विस्ट होने लगता है। ट्विस्ट में जा करके और भी इसको ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था ट्विस्ट, और ये इसी तरह काम करता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।